नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि यह मास्क मैंने क्यों लगाया है, तो पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर है। अगर आप टीवी खोलेंगे या फिर अखबार पढ़ेंगे तो हर जगह कोरोना वायरस के बारे में है, और जिसके डर से ये मैंने मास्क लगाया ऐसा आप सोच रहे होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी जिस गली में चले जाएँ, जिस मार्केट में चले जाएँ, तो इस तरह का मास्क पहने हुए लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसे मैं इसको भी उतार दे रहा हूँ, और आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ अहम जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हैं। हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। इसके साथ ही कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर अंशुल का, वो भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि आम खांसी सर्दी और कोरोना में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा इस कोरोना वायरस के डर से स्कूल बंद किए जा चुके हैं, कॉलेज बंद किए जा चुके हैं, सिनेमा घर बंद किए जा चुके, कहीं कहीं जो है मॉल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और नहीं लगाया गया है तो कौन सी जगह है जिसमें शायद हो सकता है सरकार के नज़र में कोरोना वायरस का वहाँ अटैक नहीं हो सकता है, तो वो जगह है आपका फैक्ट्री, आपका ऑफिस, आपका दुकान या फिर आपका कंपनी, जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं जा सकता है। ऐसा ये मेरा नहीं कहना है, बल्कि सरकार ने उनको बंद नहीं कराया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है। मोदी जी विदेश जाने वाले थे, उन्होंने अपनी विदेश जाने की यात्रा रद्द कर दी है। ऐसे हमारे पास 15 मार्च का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में 107 लोग इस वायरस से संक्रमित है, जिसमें कि अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भले ही मीडिया में पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश का जो मौसम है एकदम विपरीत चल रहा है। विपरीत क्या चल रहा है, तो अभी ठंड के मौसम में बारिश हो रही है, और पूरे देश में जो किसानों का जो फसल है वो बर्बाद हो गया। जिस तरह की तबाही पूरे देश में मौसम ने मचाया, इसकी कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ उनकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। अब जो कोरोना वायरस के बारे में असली तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आपको पता होगा कि पूरे देश में 550 जो प्रजाति है वो सांप की है, जिसमें कि केवल 10 जो प्रजाति होती है काफ़ी विषैले और जहरीले सांप की होती है, जिसके काटने से लोग मरते हैं। जबकि देखा गया है कि किसी को भी सांप काट लेता है तो वो डर से ही मर जाता है, भले ही वो विषहीन सांप ही क्यों ना काटा हो। उसका मेन वजह है कि उसको ये लगता है उसको सांप ने काट लिया, और डर से ही उसकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। कई रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ा है। ये एग्जाम्पल दे करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है और कब होने की संभावना है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आजकल के जो डॉक्टर हैं, अब जाकर के उनको बोलेंगे देखिए तो हमें खांसी सर्दी है, तो वो कोरोना के नाम पे आपका इलाज करना शुरू कर देंगे, पैसे ऐंठेंगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बारे में ये कहा गया है कि कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आएंगे तभी आपके अंदर उसका वायरस जाएगा। ऑटोमेटिक आपको खांसी सर्दी बुखार ये सब होता है, जो कि मौसमी होता है, मौसम भी वैसा ही चल रहा है। क्योंकि अभी जो भारत में 2 मौत हुई है, एक दिल्ली में हुई है और दूसरा कर्नाटका में, तो इसको अगर हम सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें ज़्यादातर जो मरने वालों की संख्या जो है वो बुज़ुर्गों की है, जो 50+ हैं। तो उसका कारण क्या है, जैसे ही कोरोना वायरस आपके अंदर जाता है तो क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता हो जाती है, कम हो जाती है। मैं आपके साथ ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता घर में खुद से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको नींबू पानी पीजिए या फिर दही खाइए, दही के साथ लहसुन कच्चा खाएंगे, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आंवला अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, तो खाइए, और इससे खांसी सर्दी जो मौसमी बुखार होता है वो भी आपसे दूर भागेगा। आप में से किसी को भी अगर खांसी सर्दी या बुखार हो सकता है नॉर्मल हो या फिर कुछ हो सकता है सेंसिटिव भी हो, तो उसके लिए अंशुल जी का जो वीडियो है वो आप देखिए। उसको देख करके आप नीचे कमेंट्स करके लिखिएगा कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। मैं कोरोना के बारे में आपको कुछ भी वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है, उसको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, वो फिर वापस से घर जाए, कुछ होता है ठीक। खांसी जुकाम बलगम बुखार यही झड़ रहे हैं सबके ठीक है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ, खांस रहे हो, ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक भरी है, ये आपको एलर्जिक कफ है ठीक। यदि आपको नाक भरी है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरल जिससे कहते हैं वायरल हो गया आपको, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना वोरोना नहीं हो सकता। पर अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस फूलना, जोड़ों में दर्द,
चलो जोड़ों में सब चीजों में हो सकता है। मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और खांसी सूखी और तेज बुखार है तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो उससे पैनिक करना बंद करिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को उससे डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आप में से कितने लोगों को तेज बुखार और सूखी खांसी है, बताइए कितना को। बलगम वाली खांसी जुकाम बहुत लोगों को होगा, आप में से किसी को कोरोना नहीं है, फीस ले लो चले जाओ, मैं बता रहा हूँ बिना मत देखो। डरो नहीं कोरोना से, कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है चला जाता है। बिगड़ता किसका है, जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, इस सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए, ठीक, कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे, चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, कुछ नहीं फैलेगा कोरोना। उसके बाद एक बात और सीख के जाइए, जो लास्ट बात है, फिर मैं वापस आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करके शुरू करता हूँ। छींकना और खांसना कैसे, ये आज नहीं आगे तक के लिए, हम कैसे छींकते हैं, चलो हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी गिरा थी, इनके ऊपर भी गिरा था। आज के बाद आप सब खांसेंगे या छींकेंगे तो ऐसे अपनी बाजू, क्योंकि इधर आप टच नहीं करते हैं बार बार, ठीक है, और शर्ट को आप जाके चेंज करते जाइए, ठीक है, करके दिखाइए सब कैसे खांसेंगे छींकेंगे। तो कोरोना से मर जाइए, उस समय में सब शांत हो जाएगा, रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, कंफ्यूजन है आइए, घबराइए मत, ठीक है, थैंक यू सो मच।